दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये मिनी एम्बुलेंस कार जिसमें कि दिए गए हैं काफी सारे फीचर्स। तो जल्दी से करेंगे इस बॉक्स की हम अनबॉक्सिंग और करेंगे इसके साथ कुछ फन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु, आप देख रहे हैं पीपल यू टॉयज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यार पैकिंग जो है बाहर से ही काफी अट्रैक्टिव लग रही है मुझको। मतलब पॉलीथीन की क्वालिटी से भी कभी कभी आपको पता चल जाता है कि अंदर मटेरियल कैसा होगा। वाह, तो दोस्तों जल्दी से ये हटाते हैं कचरा और बात करते हैं इस एम्बुलेंस कार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अनबॉक्स कर लिया इस एम्बुलेंस को। तो क्वालिटी की यहाँ पर अगर बात करें तो क्वालिटी यहाँ पर है काफी अच्छी, A1 फर्स्ट क्लास क्वालिटी है। पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे लगती है इसकी 3AA की बैटरीज और यहाँ पे एक म्यूजिक का ऑन ऑफ स्विच। इसे आप जरूर ऑन कर ले क्योंकि ये करेगा कुछ और फंक्शन भी। आगे की तरफ एक और व्हील हमको दिया गया है, अगर आपको इसे एक्टिवेट करना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। अगर हम पीछे की तरफ इसके जाएं तो ये खुलता है इसका डोर कुछ इस तरह से और इसके अंदर है कुछ कमाल की चीज़ें। दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है एक पेशेंट जो कि आसानी से बाहर भी निकल सकता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है। तो इसे हम वापस यहीं पे रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई तरह के आपको फंक्शन मिल सकते हैं, जितनी जगह ये रोटेट हो रहा है, ये जितनी जगह स्विचेस हैं, जैसे हम बैटरी डालेंगे कुछ ना कुछ फंक्शन करेंगे। यहाँ पर दिए गए कुछ और अलग अलग फंक्शंस और साइड में आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रंट की तरफ हम देखें तो ये जो ड्राइवर उस्ताद हैं ये भी करेंगे कुछ ना कुछ वर्क, और यहाँ भी जो इसकी सारी लाइटें हैं ये वर्क करती है। तो जल्दी से डालते हैं इसमें बैटरी और करते हैं इसके साथ कुछ फन। Beep!
तो दोस्तों अगर गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर की जाए तो ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और ये अच्छे से इसके जो अंदर के सारे बटन्स और लीवर्स हैं ये काफ़ी अच्छे से काम भी करते हैं, सिवाय कुछ चीज़ों के जो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी नहीं लगी। एक तो ये रोटेटिंग व्हील जिस पर काम करती है जो कि इसे काफ़ी स्लो कर देता है, अगर ये होती किसी रिमोट कंट्रोल में एक्टिवेट तो ये यहाँ पर और भी अट्रैक्टिव हो सकती थी। दूसरी चीज़ कि इस डोर में कोई लॉक यहाँ पर नहीं है, अगर यहाँ पर लॉक सिस्टम होता तो अच्छा रहता। इवन इसके टायर भी अगर दूसरे किसी अच्छे क्वालिटी के लगा देते तो गाड़ी कुछ और ही नज़र आती। फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।